चारा का व्यवस्था हो जाता, लेकिन स्थिति आज यह है कि अब घास भी खाने को मोहताज है, एक एक भूसा और चारा के लिए। यहाँ जिला प्रशासन एकदम मौन धारण किया है, कुछ भी बोल नहीं रहा है। ये मालूम है कि शाहपुर में 100 के आसपास नामे चल रही है। बाढ़ पीड़ितों को सरकारी सहायता नहीं उपलब्ध कराने के विरोध में मंगलवार को प्रखंड के बाढ़ प्रभावित सैकड़ों लोगों ने प्रखंड कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। भाजपा नेता ललन यादव के नेतृत्व में जुटे लोगों ने इस दौरान जिला और प्रखंड प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बाढ़ प्रभावित लोगों का कहना था कि विगत 15 दिन से पीपरा, जगदीश, दोघरा, कल्याणपुर, फिंगी गांव के लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त है, चारों तरफ पानी लगने से बाजार जाना मुश्किल है। पशुओं के लिए चारा का अभाव है, पर प्रशासन मौन व्रत धारण किए हुए है। अब तक प्रशासन द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए कोई सहायता उपलब्ध नहीं कराया गया है। प्रदर्शन के दौरान प्रखंड मुख्यालय में वीडियो सीओ के नहीं रहने कारण अंचल निरीक्षक प्रदर्शनकारियों से बात करने पहुंचे। बातचीत चल ही रही थी कि वीडियो आ पहुंचे, जिसके बाद ललन यादव ने उनसे बाढ़ पीड़ितों की समस्या रखी। वीडियो ने कहा कि प्रशासनिक स्तर पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में व्याप्त समस्या का आकलन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन से कहीं कुछ छूट रहा है तो वहां ध्यान दिलाने की जरूरत है। बातचीत के दौरान वीडियो ललन यादव के साथ बाढ़ प्रभावित इलाके की स्थिति का आकलन करने निकले। भाजपा नेता ललन यादव ने बताया कि यदि प्रशासन शीघ्र सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में पहल नहीं किया तो प्रखंड कार्यालय में तालाबंदी और NH जाम किया जाएगा। जिला प्रशासन फरार है, जिला प्रशासन होश में आए, पीड़ितों को राशन मुहैया कराओ, मवेशियों को चारा मुहैया कराओ। आप बोले कि आज भी हम लोग दौरा कर रहे हैं, रिपोर्ट हम लोग बना रहे हैं। ये 15 दिन से पूरी हमारे 5 पंचायत प्रभावित है और आप लोग अभी 15 दिन से रिपोर्टें बना रहे हैं, इसका क्या आप कहना चाहेंगे? क्यों नहीं कुछ मदद मिल रहा है? क्या दिक्कत है? हम लोग को परेशानी अपनी बताइए। मदद मिलेगी चाहिए। अब आप लोग मत बोलिए। हाँ, सरकार कुछ जेल तब लोग बाटी सरकार मानिया। विगत 15 दिनों से जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, उसके संदर्भ में हम लोग और हमारे सीओ साहब जो थे अभी छुट्टी पर हैं, उनको आएंगे और पर डे जो है तीनों पहर भ्रमण करेंगे और हर एक जगह का पानी का स्थिति का जायजा भी लिया गया और बीच में पानी घटा भी था, लेकिन ये जो अतिशय बारिश हुई है जिसके कारण पूरा बिहार में पानी का जल जमा हो गया है, उसके चलते हम लोग अंचल का भी स्थिति बिगड़ गया है और पर डे जो है हम अपना क्षेत्र में कर्मचारी लोगों से भेजें, आप लोग माननीय प्रतिनिधियों से प्राप्त सूचना के आधार पर जो भी जान का मकान जैसे ध्वस्त हुआ है, क्षतिग्रस्त हुआ है, झुपड़ी हुआ है, उसके लिए सत्यापन करके लोग रिपोर्ट लाकर हम लोग को दे भी रहे हैं। उस आधार पर जिला को तो कहने मतलब हर जगह से हम लोग सर्वेक्षण लेकर उसका रिपोर्ट कर रहे हैं और बनाकर भेज भी रहे हैं। और रह गया जहाँ तक सवाल सहायता का, तो हम लोग पॉलीथीन सीट वगैरह की मांग किए हैं क्योंकि नाव परिचालन के लिए भी लिखा गया था, लेकिन नाव उस तरह का पानी बीच में गड़बड़ा फट गया था जिसके कारण नाव के लिए जरूरत नहीं पड़ा। अभी स्थिति थोड़ा बिगड़ गया है और हम लोग क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, आप लोगों की जानकारी मिलेगी, आप लोग आ रहे हैं इसलिए हम रुक भी गए थे, नहीं तो हम कल्याणीपुर और दोघरा पंचायत की तरफ जाने वाले थे और परसों सीओ साहब आते हैं। इसके विषय में जो भी होगा यथासंभव जो भी सुविधा होगी जो व्यवस्था होगा प्रशासन से मांग करके अभी परसों से सर आएंगे। अभी हम लोग सर्वेक्षण करके सब चीज़ का डाटा बना ले रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या समस्या है और उसका रिपोर्ट जिला को कर रहे हैं। अब हमारी बात सुन लीजिए, हमारे जो गांव की स्थिति खासकर दोघरा की,
की शाहपुर और बिहिया, शाहपुर के 20 पंचायत और बिहिया के 5 पंचायत 100% बाढ़ से प्रभावित है। आज 15 दिन हो गया लेकिन कोई भी अधिकारी किसी गांव का सुध लेने वाला नहीं है। यहां तक कि बिहिया के 5 पंचायतों में एक तत्कालिक राहत होती है, चूड़ा गुड़ भी नहीं मिला, न माचिस मोमबत्ती, न मवेशियों के पास मवेशियों के लिए चारा बचा है, न लोगों के घरों में ईंधन है। वैसे हालात में सब मजबूर में भूखे हैं मवेशी और आदमी, घरों में खमर तक पानी, घुटने के ऊपर तक पानी है, वो कहाँ खाना बनाएंगे। यहाँ तक शाहपुर में तो लंगर चल रहा था बांधों पर, उसको भी कल से प्रशासन बंद कर दिया। क्या प्रशासन के पास राशि की कमी है? क्या सरकार इनके पास राशि नहीं उपलब्ध कराई है? ऐसे हालात में आज मैं अधिकारियों को लेकर इन पंचायतों में जा रहा हूँ, कल बीच पड़ेगा, कल भी यह चौरस्ता जाम करूंगा और परसों यहाँ तालाबंदी करूंगा, इनको भी चैन से बैठने नहीं दूंगा। अभी वीडियो साहब को बात हुआ क्या? वीडियो साहब कहे कि अभी मैं गांव में चलता हूँ, आज के बाद क्या कर रहे थे आप गांव में? क्यों नहीं गए आज के बाद गांव में? ये केवल सड़क पर सैर कर रहे हैं आप, आपको सरकार दिया है स्कॉर्पियो बेलोरो सड़क पर सैर करने के लिए। जनता को दुख नजदीक से देखिए और कब देखेंगे? जब आप गाँव में लोगों के दरवाजों पे जाएंगे, आप नाव से पहुंचिए जहाँ रास्ता नहीं। क्या इसका अल्टीमेटम क्या दे रहे हैं? क्या मतलब कि नहीं होगा आपकी मांग को पूरा नहीं करते क्या? हमारी मांग को ये अभी जा रहे हैं तत्काल देखने के लिए, 48 घंटे समय है, कल फिर भी ये कितना भी कहे कि सहयोग कीजिए, मैं कल भी यह चौरस्ता जाम करूंगा और परसों यहाँ ताला बंद करूंगा। इसके लिए मैं कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हूँ और जनता मेरे साथ है, जनता तैयार है और पार्टी हित से अलग हटकर मैं जनता के लिए, मैं जानता हूँ कि मेरी सरकार है, मेरी पार्टी की सरकार है, मेरे सहयोगी नीतीश कुमार की सरकार है, फिर भी जनता के लिए मैं सड़क पर उतरूंगा। इसके लिए मुझे जो भी कुर्बानी देना पड़ेगा, मैं ललन यादव।